हेलो। हेलो, हाँ बोलो। क्या कर रहे हो? बस बैठा हूँ यार एक जगह पे। और क्या करूँगा, सोच रहा था, कुछ कैलकुलेशंस चल रही थी दिमाग में। बोलो ना। ओके, अच्छा एक बात बताओ, आज तुम ट्यूशन्स के बाद मेरे बैचमेट्स के साथ क्या कर रहे थे? अच्छा, मैं नहीं था, किसी और को देखा होगा तुमने। तुम्हें क्या लगता है, मंदी हो गई हूँ या चश्मे का नंबर बढ़ गया है? वो कुछ नहीं, ऐसे ही मतलब मेरे फ्रेंड्स थे, वो तो मिलने आया था। और क्या, ऐसे दोस्त हैं तुम्हारे? नहीं मतलब मेरे फ्रेंड्स ऐसे दोस्त मतलब। मैं अपने बैचमेट्स की बात कर रही हूँ जिनके साथ तुम थे। देखो, तो उनमें क्या प्रॉब्लम है मतलब? तुम्हें पता है वो किस किस्म के लोग हैं? होंगे पता नहीं, बैक बेंचेस हो गए ज्यादा ज्यादा। तुम्हें अपने दोस्तों के बारे में ही नहीं पता? एक्चुअली वो मेरे दोस्त नहीं क्या? थे, मेरे दोस्त नहीं थे। अरे हाँ, तो फिर क्या कर रहे थे उनके साथ? वो बस तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आया था। उनके साथ मैं रहती भी नहीं हूँ, उनको क्या पता मेरे बारे में? तो बस वो मेरे को भी नहीं पता था ना वो तुम्हारे साथ के है या नहीं है, बस ऐसे ही। अरे नहीं, पर मैंने नोटिस किया तुम कितने टाइम से थे उनके साथ। जब से ट्यूशंस खत्म हुई है, कम से कम 1 घंटा तो उन्हीं के साथ है। नहीं, 1 घंटा तो नहीं हुआ होगा, 20-25 मिनट होंगे ज्यादा से ज्यादा। मेरी तुम्हारे बात खत्म होती है ट्यूशन, मेरी क्या, मेरी तुम्हारे बात बैच खत्म होती है, मेरे बाद मतलब? मतलब तुम्हारे बाद जब तुम्हारा खत्म हो जाता है उसके बाद मेरी होती है। हाँ हाँ, तो तुम तब से लेके उन्हीं के साथ थे, तो तो क्या हो गया? क्या कर रहे थे? वही तो पूछ रही हूँ मैं। कुछ भी नहीं कर रहा था। वो लोग किस किस्म के मतलब, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हिट लिस्ट में आया, पता है वो ड्रग्स और ये सब के चक्कर में। तुम्हें किसने बताया? इतना तो पता होता ही है अपने बैच वालों के बारे में, कौन किस टाइप का है। क्या शिट, ओके, नहीं कुछ नहीं। क्या शिट, कुछ छुपा मेरे रहे बारे हो में कुछ क्या? बताया नहीं ना उन्होंने, मतलब पूछा उछा नहीं ना उन्होंने, क्या? तुमने कुछ पूछा उछा नहीं ना उनसे जाके? नहीं, मैंने तो नहीं कुछ पूछा, बट तुम ये बताओ तुम क्या कर रहे थे उनके साथ? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत अपना काम जो होता है ना मेरा, वो उन्हें बता रहा था, फिर अगर उनको सही लगता तो वो भी ज्वाइन करते ना। मैं बस यही था और कुछ वो नहीं। उनको जो चीज वो कर रहे हैं उनको उन्हीं में इतना प्रॉफिट है, उनको कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ओके। तुम तो नहीं ना साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं उनके? नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, मैं सच ही जा रही बताओ, हूँ। नहीं हूँ मैं बस। मैंने अगर किसी से पूछा और तुम्हारा नाम आया तो फिर सोच लेना। उन लोग को मेरा नाम नहीं बता रियल। शक्ल तो पता है, शक्ल तुमको दिख गई थी बस, नहीं तो हुडी पहना होता है मैंने। शिट सॉरी, कुछ नहीं कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हो रहा है तुम्हारी बात सुन के। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, जैसी वाइब जा रही है अंदर से। वो लोग क्या काम करते हैं? ड्रग से रिलेटेड सप्लाई करने का? और खुद भी लेते हैं शायद, राइट? हाँ, जिनसे वो माल खरीदते हैं वो मैं हूँ। क्या तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं इसके बारे में? पता नहीं, बस आई मीन ये सच है कि लाइक मैं इन शॉर्ट बॉस हूँ उनका। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था ना, मेरे को ये टाइप के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो ड्रग्स और ये सब में इन्वॉल्व हो।
तुम्हें लेता तो नहीं हो ना? जो सप्लाई करते हैं ना वो चेक भी करते हैं, क्या करते हैं चेक भी करते हैं कि उनका मतलब? जो माल और वो सब है वो असली भी है या नकली है। ठीक है ना, वो कभी कभी लेना पड़ता है थोड़ा बहुत यार, उसमें क्या है। मतलब तुम लेते भी हो? मैंने ऐसा थोड़ी कहा है कि मैं लेके टुल हो जाता हूँ। थोड़ा थोड़ा किसी चीज से थोड़े से शुरुआत करते हैं, बाद में उसकी आदत होती है। अच्छा सही है फिर। सॉरी सॉरी, तुम्हें नहीं बताया, बट आई एम रियली सॉरी, प्लीज। तुम्हें क्या जरूरत आ गई ये सब करने की? यही तो चीज है जो मैं करता हूँ, और इसीलिए तो क्यों करते हो? बस मजा आता है, मतलब पैसा क्या मिलता है, अच्छा खासा नहीं, क्या बोला तुमने? पैसा मिलता है, अच्छा खासा, और क्या। वाह ग्रेट। क्या क्या ग्रेट, मतलब तुम दूसरों की भी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो, खुद की भी कर रहे हो। खुद की कैसे। तुम भी तो लेते हो ना, इन शॉर्ट। नहीं मैं बस टेस्ट करता हूँ, उसे लेना थोड़ी हाँ कहते तो हैं। लेना ही होता है। वेजिटेरियन नॉन वेज खा लेना तो उनको वेजिटेरियन ही काउंट किया जाता फिर। तो उसी तरह जो ड्रग्स टेस्ट भी करते हैं ना वो उसी में आ जाते हैं। तो क्या कहना है तुम्हारा। तो मेरा ये कहना है कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, ठीक है? आई वॉन्ट ब्रेकअप। उनमें कोई सीरियसली किसी की बहन होगी तो उससे शादी कर लेना तुम, ठीक है? रिलेशन में आके। व्हाट, क्या मतलब तुम्हारा। अरे होगी ना उनकी कोई बहन या कोई मे बी कोई साथ में कोई सप्लायर हो, कूल उससे कर लेना सप्लायर, शादी। ठीक है फिर। ब्रेकअप ठीक है। कन्फर्म है, हाँ देख लो, बाद में पछताओगे तुम। मेरे जितना पैसे कमाने वाला नहीं मिलेगा फिर कोई। मेरे को चाहिए नहीं ऐसे गलत काम से पैसे, अच्छा तो सही काम से कितने मिल जाएंगे। सीरियसली जितने भी बोलेंगे खुश हूँ मैं। मैं अगर तुम्हें 1 रुपये कमा के देता हूँ, तो भी कोई बात नहीं, मैं कौन सा नहीं कमा रही, वही मैं ठीक है? 1 लाख कमा दूँ इन चीजों से तो। उस चीज का कोई मतलब नहीं है ना। हम अगर अच्छा किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो उल्टा वो चीज हमारे साथ भी होगी फ्यूचर में। मुझे बात नहीं करनी अब तुम्हारे साथ, मैंने सिर्फ कंफर्म करना था क्या चीज है। अच्छा मैं देखा, मेरे को सप्लाई करते हुए आज है ना, डील करते हुए। तो क्या पता अब उनके साथ तुम खुद ही बोल रहे हो कि मैं करता हूँ। ओके एनीथिंग एल्स, नथिंग। तुम्हारे घर पे भी बताऊंगी मैं इसके बारे में, मुंह पे मारूंगा तुमको, मेरे से तो बुरा कोई नहीं उनको होगा भी फिर। बताना चाहिए ना उनका बेटा क्या क्या काम करता है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा, घर से निकाल क्यों देंगे। मतलब सीरियसली तुम्हें सिर्फ जिंदगी में पैसे चाहिए, तुम्हें रिश्तों की कोई मतलब नहीं है? पता नहीं क्या ठीक है ही मतलब हुआ यार किस चीज से। हाँ वो उसमें खुश है, ला के तो दे रहा हूँ कुछ ना कुछ। हाँ पहले वाला मैं था तो कुछ कमाता था, कुछ करता था, नहीं पड़ा रहता था एक जगह पे, जमता ही नहीं था कुछ, आलस आता था। अब कुछ हो तो रहा है मेरे से, राइट, तो क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है कितने लोगों की जान जाती है ड्रग्स से? और रही तुम्हारी बात, तुम मुझे छोड़ कर जाना चाहते हो जा सकते हो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, डोंट हैव एनी इश्यू अबाउट इट। ओके गो टू हेल, ओके आई ये काम विल करके ना तुम जस्ट, हेल में जा रहे हो। ठीक है मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, साथ में मिल लेंगे, उधर ही मिल लेंगे फिर, ठीक है। बाहर तो फोन रखो यार, बाय। में जाओ, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, याद रखना। देख लूंगी मैं।
वही लोग परेशान करेंगे अब, ठीक है, कौन लोग? वही जिनका डील करता हूँ मैं रोज। वो मुझे क्यों परेशान करेंगे? बॉस कौन है? हाँ तो उनको ये थोड़ी पता है कि मैं कौन हूँ। सबको पता है, नजर सबकी होती है तुम पे। मतलब खुद के साथ साथ इनडायरेक्टली तूने मेरे को भी इन्वॉल्व कर दिया। सो छोड़ के जाना है तो जा सकते हो, लेकिन डील कर लो मेरे साथ रह के, हमेशा शादी करके मेरे से खुश रहोगे। मुझे नहीं रहना है ऐसे कुछ पर मैं गलत काम के तुम्हें कमाए हुए पैसों से। तुम्हें लगता है तुम छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें खुश रहने दूंगा? क्या कर लोगे तुम? वो तो देखने में पता चलेगा अब क्या होगा तुम्हें, कोई बात नहीं, देख लूंगी मैं। देख लोगे सीरियसली? ठीक है फिर, बहुत पछताएगी तुम, याद रखना, ठीक है? मैं नहीं पूछताछ चल ऐसे फोन ही काम काट। करके। ओके बाय, निकलो। काट बोला ना, अभी तक क्यों फोन पे है? ओए बोलो, काट बोला ना मैंने, अभी तक क्यों फोन पे है फिर? मुझे लगा तुम कट कर रहे हो। ओ वाओ, और कुछ? और कुछ नहीं, अब मैं तुम्हारे घर पे बताती हूँ, ठीक है? अच्छे से तुम्हें ड्रग्स खिलाएंगे वो, सुन मेरी नशा बात, घर वालों को ज्यादा अच्छा चढ़ता है। बता, जाना मेरे बेबी। जाना मत बोलो मेरे को, ठीक है? ना ही बीवी बोलने की जरूरत है। और और कुछ नहीं, एक बात पूछूं आपसे, क्या वो सीरियसली लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ? तो उन लोगों के साथ रहने का क्या मतलब फिर? अच्छा, कोई काम भी हो सकता है, कुछ और भी चीज हो सकती है उन लोगों ना? से क्या काम? तो बेबी एक बात कहूँ, क्या कैसा लगा मेरा मजाक? क्या सीरियसली ये मजाक होता है? आई नो, तुम्हें वो वाली बात पे ज्यादा भरोसा हो रहा है इस बात से, बट स्टिल नहीं, अब तुम छुपाने के लिए कर रहे होगे ना कि किसी को पता ना चले, स्पेशली तुम्हारी फैमिली को। तुम्हें लगता है मेरी कितनी भोली सी शक्ल है, मैं कितना प्यारा दिखता हूँ, है ना, स्वीट सा छोटा सा बच्चा, तुम्हें लगता है मैं ऐसे काम कर सकता हूँ? दिखते हो ना, दिखने में और होने में फर्क होता है। जो वहां पे एक बंदा खड़ा था ना तुम्हारे बैच का, जो बुरे बुरे लोगों में लग गया, वो एक्चुअली मेरी कॉलोनी में रहता है, ठीक है? और वो बुरे कामों में लग गया, बस उसे बचाने के लिए आया था, उसे वहां से निकालने के लिए आया था, ठीक है? मैं नहीं घुसा उतना बीच में, ठीक है? आई बात समझ? प्रूफ चाहिए है, उससे बात करा दूं? झूठ भी बोल सकता है, मुझे क्या भरोसा? ओके मतलब तुम्हें मेरे पे आज तक कभी भरोसा था ही नहीं, राइट? मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो भी हो, था ही नहीं तुम्हें मेरे पे भरोसा? कुछ भी बोलो, ठीक है? मतलब नहीं है इस चीज का। एक तो तुमने मुझसे झूठ बोला है इतना बड़ा कि तुम ये चीजों में इन्वॉल्व हो। तुम सीधा हंसने ब्रेकअप पे की आ जरूरत जाओ। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही यहाँ पे। तुम्हें लगता है मैं सब चीजों में इन्वॉल्व हो सकता हूँ? लगता है तुम्हें? कुछ पता नहीं होता, एक बात वो लोग बताऊँ, भी किसी टाइम पे बहुत सही होते हैं जो इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। एक बात बताऊँ, क्या मैं ऐसा इंसान हूं नहीं, ठीक है? वो डीलर वीलर तो मैं हूं नहीं पहली चीज, क्योंकि यार आप सिंपली बताओ, वो पैसा मैं कितना भी कमा लूंगा वहां से, लेकिन आगे चल के हॉस्पिटल्स और ये सारों के चक्कर में ना इंसान पड़ जाता है ना कर्मा की वजह से, तो उससे डबल निकल जाता है जेब में से। सो इट्स बेटर दो रोटी खाएंगे, ईमानदारी से कमा के खाएंगे, समझे? ऐसी कोई चीज़ में निकालना नहीं है बाद में आगे चल के, तुम्हें पता ही, हर बार कहता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि पता ना, वो लोग लाइक जितना भी उड़ लेते हैं, लेकिन उन्हीं की तबीयत वबीयत बहुत खराब रहती है,
या तो उनके घर में किसी की, या तो उनके बच्चे अजीब से पैदा हो जाते हैं। रीजन इज क्योंकि उन्होंने दूसरों के बच्चे खराब किए हैं, समझे, क्योंकि उनका कर्मा खराब है। मैं ऐसा कभी काम नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है मम्मी पापा को गलती से पता चल जाता, ये सब पता चल जाए, कुछ भी, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो, तो उनकी नाक कट जाएगी ना? और तुम्हें लगता है मैं ये चीज करूं? हो सकता है ना कि तुम छुपा के कर रहे हो इसलिए कि पता नहीं चले किसी को। तुम तुम्हें अभी तक मेरे पे भरोसा नहीं है, राइट? खुद ही बोल रहे हो कि मैं करता हूँ। तो मैंने अभी बोला मैं प्रैंक कर रहा था, मजाक कर रहा था। मेरे को तो ट्रक की बात सुन के याद आया। कैसे मैं भरोसा करूं अब मैं? चलो, मैंने भी बोला कि मैं उस बंदे से तुम्हारी बात करूंगा, तो तुम तैयार हो, कर लेना, जिसको मैं जिसकी हेल्प करने के लिए आया था, ठीक है? वो तो तुम्हारी कॉलोनी में रहता है, तुम झूठ बोल सकते हो उसको, बोलेगा उसकी मम्मी से बात करा दूंगा अब, ठीक है? वो। मम्मी क्यों सच बोलेगी उसकी? उसके पापा से बात करा दूंगा अब, ठीक है? नहीं, मैं उन लोगों से बात करूंगी जो इन सब में डील करते हैं, क्या? बैचमेट्स। उनसे क्या बोलोगे? वो मैं देख लूंगी, वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तो उनके अल्लू बल्लू मत पढ़ना, ठीक है? फालतू के लोग हैं, ज्यादा मत कुछ करना, ठीक है? ये बंदा बस पैसों की वजह से था उसमें, उसको मैं निकाल ले आया, इसके उधारी थी वो चुका दी, और अब ये अलग है, ठीक है? प्लीज उन लोगों के बीच मत पढ़ना, ठीक है? फालतू की चीजें मत करना, गलत है, गलत रहेंगे वो लोग, ठीक है? ये बात समझ। तुम पक्का नहीं हो ना इन सब में? मम्मी की कसम नहीं पापा हूं की मैं, कसम? पापा की कसम मैं नहीं हूं इन चीजों में, ओके, आपकी कसम मैं सच्ची इन चीजों में नहीं हूं, ट्रस्ट मी, आई ओके, लव यू। आई लव यू टू। और बताओ, और तो अब वो नहीं जाएगा ना जो तुम्हारे कॉलोनी में था, लड़का? अरे क्या मतलब? वही जिसको तुम बोल रहे हो कि उधारी चुका के छुड़ा के लाया हूँ। नहीं, वो नहीं जाएगा, ठीक है? ट्रस्ट कर ले कुत्ती, थोड़ा सा प्रैंक तो मेरे भी तुमने भारी पड़ गया पहले भी, यार। नहीं, एक सेकेंड, नहीं, तुमने प्रैंक पहले मेरे भी पे मेरे से भारी पड़ कितनी गया। झूठी बात की नहीं है नहीं नहीं तुमने? नहीं 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 प्रैंक मेरे पे भारी क्या हो गया? हाँ तो प्रैंक उस लेवल के किया करो ना कि बाद में संभाल सको। तुम खुद तो नीचे आने को करते हो। ठीक है ना, कोई नहीं, अब ड्रग्स करते हैं भाई हम तो। ठीक बाय, फोन रखो, ठीक है? उसी नशे में रहो, ठीक है? बाय। अरे यार, सबसे बड़ा ड्रग तो तुम ही हो मेरा, क्या? तुमको देख के सारे ड्रग्स हिल जाते हैं बॉडी में के केमिकल्स, ओह माय ठीक गॉड, है? ओह माय गॉड, कितना क्यूट फेस है। मैं अब डायलॉग मार रही हूँ। नहीं, बट क्यूट था सच्ची, तुमको देख के बॉडी के सारे केमिकल्स हिल जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, डोपामिन और क्या क्या होता है वो, सब 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 इधर उधर उधर इधर हो जाते हैं, और फिर संतुलन बिगड़ जाता है, तो मैं नीचे गिर जाता हूँ। तो हुआ ना मैं ड्रगिस्ट, करवाना पड़ेगा तुम्हारा भी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है? अपने दिल से करा लेना, ठीक है? नहीं, दिल से नहीं, हकीकत में करवाना पड़ेगा। हकीकत में लगा लेना जो, ओके ना? आई लव यू। आई लव यू टू। क्या? ब्रेकअप नहीं, ठीक है? ब्रेकअप नहीं, ठीक है? चलो जाओ, निकलो, प्रर, 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 निकलो, ठीक है, बाय। प्रर। टाटा।